आज जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्यूचर सबसे ज्यादा है, बिल्कुल वैसे ही 14 इयर्स बैक मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चन था। उस टाइम में पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की काफी ज्यादा डिमांड थी एंड यूज भी था, तो उस हिसाब से मेरे लिए वो फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। लेकिन राइट नाउ आप जानते हैं कि पीएचपी को आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो जानते भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आप भी यही क्वेश्चन करते रहते हो कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए जिससे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, आप अपने फ्यूचर को 4 to 5 ईयर के लिए सिक्योर कर सकते हो, बट उसके बाद में ट्रेंड बदलेगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बदल जाएगी। अगर आज पाइथन डिमांड में है तो जरूरी नहीं कि कल भी वो डिमांड में रहेगी। आने वाले ट्रेंड्स में हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई पे रहेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे वही सीखना चाहिए जिससे कि मैं अपने 14-15 साल निकाल लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आईटी इंडस्ट्री बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है और उसमें टेक्नोलॉजीज न्यू आती जा रही है, तो आप सभी को तो नहीं सीख सकते हो। बट हाँ, आप अगर अपना लॉजिक स्ट्रांग रखते हो, आप में कैलिबर है, कैपेबिलिटीज है, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद से सीख सकते हो। 1 to 2 मंथ्स इनफ होते हैं जिसमें आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हो। सो आप अपने लॉजिक को स्ट्रांग कीजिए, भले ही आप उसको पाइथन में करो, जावा में करो, जावास्क्रिप्ट में करो, किसी भी लैंग्वेज में करो, बस आपको स्ट्रांग करना है। बाकी जॉब्स तो आपको ईजिली मिल जाएगी। तो अभी आप क्या सीखोगे, जिसमें सबसे ज्यादा जॉब्स है आईटी इंडस्ट्री की, जो जॉब सबसे ज्यादा मार्केट में चल रही है, आपको वो ट्रेंड सीखना चाहिए। अब चाहे वो जावा ही क्यों ना हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स की ही जॉब क्यों ना हो, चाहे वो वेब डेवलपर की ही जॉब क्यों ना हो, आपको वो चीजें सीखनी चाहिए जिसकी मार्केट में जॉब ज्यादा अवेलेबल है। सो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा और आप ये सोच चुके होंगे कि आपको आगे चल के क्या पढ़ना है जिससे कि आपको जॉब्स मिल सके।